अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आफ्ताब पीडिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो व्यूज़ के हवाले से है और बहुत से जो लोग हैं उनके ज़्यादातर जो सवाल होते हैं वो यही होते हैं कि व्यूज़ जो है उनकी वीडियोज़ पर कम आते हैं और व्यूज़ कम आते हैं, व्यूज़ क्यों नहीं आते, क्या मसले मसाइल होते हैं, उनकी वीडियोज़ के अंदर क्या गलतियाँ होती हैं, चैनल्स के अंदर क्या गलतियाँ होती हैं, वो क्या अपलोडिंग करते हुए गलतियाँ करते हैं और बोलने में क्या गलतियां करते हैं, वीडियो बनाने में क्या गलतियां करते हैं, ये सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और मतलब मैसेजेस के अंदर मैं एक एक बंदे को अगर गाइड करने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और टाइम ज़ाया होता है। तो हम टाइम को ज़ाया नहीं करते, वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो पर जाने से पहले आपको बता दूंगा, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल आफ्ताब वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजली मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं व्यूज़ की। तो यहाँ पे एक चीज़ देखें, मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहली बात जो मेन आप लोगों को समझने की चीज़ है जो, और इसको अपने दिमाग में बिठा लें कि जब आप नया चैनल जिस वक्त बनाते हैं तो उस चैनल की जो डेट होती है, जो क्रिएटेड डेट होती है, उस डेट से ले के ठीक एक साल उसको लगता है गूगल सर्च इंजन के अंदर क्रॉल करने में। जो बड़े बड़े मार्केटिंग जो कंपनीज हैं वो क्या करती हैं कि वो लोगों से पुराने चैनल जो हैं वो बाय करती हैं अगर वो अपना काम करना चाहें तो। लेकिन यहाँ पे देखें, कोई आप लोगों को हर चीज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से कोई गाइडलाइन मिली ही नहीं होती, तो वो आप लोग जब काम शुरू कर देते हैं तो उसके बाद आप लोग ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स आती हैं इनको आप लेके बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर वो कुछ लोग तो डिसहार्ट होकर काम छोड़ देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे मैसेज किए कि उन्होंने कहा कि हमने चैनल डिलीट कर दिए, हमने 50 वीडियोस किसी ने डिलीट की हुई, किसी ने 60 वीडियोस डिलीट की हुई। तो भाई मेहनत, इतनी मेहनत तुमने की और फिर उसको ज़ाया कर दिया, तो ये कौन सी तो बनती, मतलब हिम्मत हारने वाली बात तो यहाँ पे होनी नहीं चाहिए ना। तो यहाँ पे एक चीज़ देखें, मैं आपको बता दूँ कि चैनल जितना पुराना होगा उतनी उसकी अथॉरिटी पुरानी होगी, उतना वो ग्रो करेगा गूगल सर्च इंजन के अंदर। अब ये होता क्यों है, 1 साल पुराना या 6 महीने पुराना क्यों होना चाहिए? उसकी वजह ये होती है कि देखें, गूगल के अंदर या रोज़ाना पूरी दुनिया के अंदर करोड़ों की तादाद में जो है आइडियाँ बनती हैं, चैनल्स बनते हैं। तो वो अब एक तो पहले तो कंपटीशन नहीं था, अब कंपटीशन हो गया, हर टॉपिक के अंदर कंपटीशन हो गया। तो वो होता ही है कि वो चैनल्स जो है लाइन में लगे हुए होते हैं, जैसे जैसे उनकी बारी आती आती है वो गूगल सर्च इंजन जो है उनको अपने क्रॉलिंग सेक्शन में ले लेता है, फिर उसकी जो है वो ग्रोइंग जो शुरू होती है, ग्रो होना शुरू होती है, ग्रोथ शुरू हो जाती है उस चैनल की। तो उसमें एक प्लस पॉइंट ये होता है कि उसकी जो टाइम लिमिट होती है वो कम किस सूरत में होती है, कि मतलब अगर वो 1 साल तो अगर आप उसके ऊपर काम स्लो स्पीड में करेंगे तो फिर सही है, या आप कोई प्रोफेशनल नहीं है तो आप अपनी स्पीड से और अपने नॉलेज के मुताबिक ही उसको लेके चलेंगे। लेकिन जो लोग मतलब मार्केटिंग एजेंसीज वगैरह में जो लोग एजुकेटेड होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, उनको हर चीज़ की नॉलेज होती है, वो उसको किस तरीके से लेके जाते हैं, वो क्या करते हैं, वायरल जो एक उनके पास डेटा जो मौजूद होता है, मतलब जो वीडियोस होती हैं, सॉन्ग्स होते हैं, बड़ी बड़ी फिल्में होती हैं, उनके क्लिप्स होते हैं, ट्रेलर्स होते हैं, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो जल्दी जल्दी जो है वो वायरल हो जाती हैं। हर बंदे को, ज़ाहिर है हर बंदा उनको सर्च कर रहा होता है, लेकिन एक आम आदमी जो है उसके पास तो ये चीज़ें नहीं होती, वो ज़ाहिर कोई बड़ी कंपनी मतलब फिल्म बनाने वाली कंपनी तो नहीं है। फिर वो कुछ लोग ये करते हैं, शॉर्टकट करते हैं, वो उन फिल्मों को कॉपी करते हैं, कॉपी राइट का फिर उनको नोटिस आ जाता है, उनके चैनल बंद हो जाते हैं, ये काम भी ना करें। दूसरा ये होता है कि वो जिस वक्त ऐसी चीज़ें जब अपलोड करते हैं अपनी वीडियोस के ऊपर, ये चैनल्स के ऊपर, तो वो गूगल सर्च इंजन फिर जो है उसको जल्दी टाइम से पहले उठा देता है। जैसे एक मिसाल के तौर पर हम ले लेते हैं कि हम कहीं बिल भरने बैंक वगैरह में जाते हैं तो वहाँ लाइन में लगे होते हैं, लेकिन हमारे बीच में लाइन में अगर कोई वीआईपी बंदा ऐसा आ गया जो जिसका अकाउंट है और जिसका करोड़ों रुपए जो है बैंक के अकाउंट में पड़ा हुआ, तो उसको वो क्या करते हैं, बैंक वाले प्रायोरिटी पे जो है वो सर्विस देते हैं, वो कहते हैं आप सर पहले आ जाइए। तो बाकी जो लोग हैं वो आम लाइन में लगे हुए, क्योंकि वो आम से बंदे हैं, उनके कोई अकाउंट नहीं है, उनके कोई बैंक बैलेंस नहीं है। तो इसी तरह एक यूट्यूब गूगल का भी यही होता है कि वो देखते हैं यार कि ये बंदा जो है बिजनेस टाइकून है, टी सीरीज वाला है, या प्यूडीपाई है, या इस तरह बड़े बड़े जो चैनल हैं उनको, अब जाहिर है उनका कोई चैनल है और वो लाइन में लगा हुआ है तो वो बोलते हैं इसको इस चैनल को पहले लाओ, क्योंकि उनको भी एक लालच होती है कि ये इसका चैनल हम जल्दी ग्रो करेंगे तो ये रेवेन्यू भी हमें जनरेट होगा। जहाँ तक आपको क्लियर होगी होगी बात, समझ आ गई होगी कि 1 साल लगता है, लेकिन 1 साल से कम उन चैनल्स को लगता है जिनके अंदर, जिनके पास डेटा मौजूद होता है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने उसको कैसे उठाना है ऊपर? तो आपने पहले तो अपने चैनल की जो SEO है वो करनी है। पूरा तरीका मेथड मैंने अपने ट्यूटोरियल्स वगैरह में बताया हुआ है, पीछे आप जाए मेरे चैनल के ऊपर सर्च करें, वहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी।
चैनल की ऐसी हो गई, उसके बाद आपने वीडियो अच्छी बनानी है। अब वीडियो जो है अच्छी बनाने का मतलब ये होता है कि वीडियो तो आपने अच्छी बना ली। मैंने ऐसे भी चैनल देखे हैं इनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त वीडियोज़ पड़ी हुई, व्लॉग्स की वीडियोज़ पड़ी हुई, कुकिंग की पड़ी हुई, हर चीज़ की पड़ी हुई, लेकिन वो कहाँ आके मार खाते हैं, क्या गलती, ऐसी गलती करते हैं कि उनके चैनल पे वीडियोस पे व्यूज नहीं आते। टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स, एक तो तीनों चीज़ें मौजूद नहीं होती। मतलब टाइटल होगा दो अल्फाज का, ठीक है, माय ब्लॉग चैनल, माय आई एम गोइंग टू सवाद, अच्छा फलानी स्कर्दू चला गया मैं फलानी, ये दो तीन अल्फाज लिखे हुए। अच्छा, अगर लिखे हुए भी हैं तो किसी ने उर्दू में लिखे हुए, डिस्क्रिप्शन उसने लिखी हुई नहीं है, बस अपने चैनल वीडियोस की लिंक अंदर डाले हुए या सोशल मीडिया के टैग्स में भी उसने वो 19-20 किया हुआ, कुछ भी नहीं डाला हुआ। ये तीन मेन पॉइंट हैं जो आप जहाँ पे आके गलती करते हैं। एक और दूसरी चीज़ बुनियादी ये भी है कि आप अपने चैनल के जो है ना माइंड सेट के साथ खेल जाते हैं। मतलब उसको आपने बोला यार कि मैं मुझे आपने काम दिया कि मुझे आपने बोला यार आप वीडियोज़ बनाओ, अब मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, तो आपने मैं वीडियोज़ बनाने बैठा तो आपने मुझे बोला यार तुम ऐसा करो, ये जो है कुर्सी है ये हिल रही है, इसको भी ज़रा ठोक दो, तो अब मैं कुर्सी ठोकने पे लग जाऊंगा। फिर मैं मुझे आप बोलोगे यार को टीवी की सेटिंग आउट होगी वो सही कर दो, तो मैं आके टीवी की सेटिंग पे, अब तीन काम आपने मुझे दे दिए। अब वो तीन कामों में टाइम तो लगेगा, टाइम भी लगेगा और मेरा दिमाग जो है ना वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा, माइंड कि मैं करूँ क्या, मैं इस काम को भी सही तवज्जो नहीं दे पाऊंगा, उसको भी नहीं और उसको भी नहीं। तो चैनल के ऊपर आपने फूड की वीडियोस भी डाली हुई है, टेक की वीडियोस भी डाली हुई है, ब्लॉगिंग भी कर रहे हो आप, तो ये तीन खिचड़ियाँ जब आप बनाओगे तो वो गूगल सर्च इंजन को ये समझ ही नहीं आएगी कि ये वीडियो बना किस टॉपिक पे रहा है भाई, किसी एक स्टेशन पे खड़े हो जाओ। तो चैनल जब बनाते हो तो आप शुरू में बेशक 10 दिन या 20 दिन ले लो उसको सोचने में लगा दोगे, यार इसको मैंने करना है क्या है, मैं कौन सा काम अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। जहाँ तक आपको मैं इसलिए मैं इतनी लंबी वीडियोस ले जाता हूँ या इतनी मेरी बातें इतनी लंबी हो जाती हैं कि मैं आप लोगों को डिटेल के साथ एक एक चीज़ तफसील के साथ समझाता हूँ। तो जब वो खिचड़ी, आप पहले ऑप्शन से तो आप हट गए, आपने खिचड़ी वाला चैनल काम ख़त्म कर दिया, आपने एक टॉपिक पे चूज़ कर लिया, सब कुछ हो गया, ऐसी हो गई। अब वीडियोस पे आ जाए, वीडियो आपने बनाई साफ सुथरी हाई क्वालिटी की और अच्छी, अगर हाई क्वालिटी किसी वक्त कैमरा नहीं भी है तो वो जैसी भी है बनाए, फिर आप गलती मेन क्या करते हैं कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स ये उर्दू में लिख देते हैं। अच्छा, इस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। अच्छा है, मुझे ये टॉपिक भी जहन में आ गया कि बहुत से लोगों को परेशानी होती है कि उनकी इंग्लिश उनको आती नहीं है, तो वो इंग्लिश में टॉपिक या टाइटल या कुछ भी नहीं, डिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते, तो एक मैं उन्हें ट्रांसलेट करने का बताऊंगा कि वो उर्दू में टाइप करेंगे जो जो वो बोल सकते हैं दिमाग में क्या है, तो वो आगे इंग्लिश में खुद ही उनका सेंटेंस वगैरह बना हुआ आएगा, वो उठाएं कॉपी करें पेस्ट करें। टाइटल आपने इंग्लिश में देने, डिस्क्रिप्शन आपने इंग्लिश में देनी, टैग्स आपने इंग्लिश में देने, ये तीन बुनियादी चीज़ें आपने तीनों आपने करते क्या हैं कि टाइटल उर्दू में लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा हुआ नहीं है, टैग्स आप इंग्लिश में दे रहे हैं, तो क्या मतलब वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपके, क्या वीडियो आपकी वायरल होनी चाहिए सिर्फ तस्वीर या थंबनेल देख के? ऐसा नहीं होता, बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो सिस्टमेटिक चल रही होती हैं। और यूट्यूब अब बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया है यूट्यूब के ऊपर, तो आपको अपने काम में खूबसूरती लानी होगी, अगर खूबसूरती नहीं लाएंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक वीडियो समझ आ गई होगी, मैं इससे आगे और मज़ीद बनाता जाऊँगा, जितनी आप लोगों में अवेयरनेस दे सकूँ मैं कोशिश करूँगा दूंगा। तो दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में मेरे चैनल आफ्ताब पीडी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजली मिल जाएगी। तो इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।